मनमोहन सिंह बिहार के उन नेताओं में है जिन पर बिहार की सियासत में जातीय उन्माद फैलाने का हमेशा से आरोप लगते रहा है। लालू विरोध का चेहरा कहे जाने वाले आनंद मोहन सिंह की राजनीति लालू यादव के साथ ही फली फूली थी। आनंद मोहन सिंह बिहार के बाहुबली नेता रहे हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं जो कभी बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। राजनीति में उन्हें लालू यादव का विकल्प बताया जाता है, वह एक बार फिर से सुर्खियों में है। राजनीतिक वजहों से नहीं, आपराधिक वजहों से भी नहीं, बल्कि बेटी सुरभि आनंद की शाही शादी को लेकर। आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद का 15 फरवरी को विवाह संपन्न हुआ। बिहार में यह शादी किसी सेलिब्रिटी की शादी की तरह ही सुर्खियों में है। सच कहें तो बिहार के राजनीतिक इतिहास में इतना भव्य शादी नहीं हुआ था। 17 एकड़ का फार्म हाउस, सार सजावट तो ऐसी जैसी बॉलीवुड की फिल्म की सेट हो, 50,000 से अधिक मेहमान, पूरा बिहार कैबिनेट, खुद सीएम नीतीश कुमार और बिहार के सभी प्रखंड और पंचायत स्तर के संपन्न राजपूतों का मेला लगा था। राजपूतों का गढ़ कहे जाने वाले राजस्थान के रजवाड़ों से करीब 5,000 राजपूत पटना पहुंचे थे। आनंद मोहन सिंह की बेटी की शादी भारतीय रेल सेवा के अधिकारी मुंगेर के राजहंस से हो रही है। बेटी की शादी के लिए आनंद मोहन सिंह फिर से 15 दिनों के पैरोल पर बाहर निकले हैं। आनंद मोहन सिंह पिछले 15 सालों से जेल में बंद हैं और यह दूसरा मौका है जब वो पैरोल पर बाहर आए हैं। तो चलिए चलते हैं इतिहास में और जानते हैं कि आखिर जेल में क्यों बंद है आनंद मोहन। आनंद मोहन सिंह एक डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में जेल में बंद है। उनकी हत्या आक्रोशित भीड़ ने की थी। भीड़ को उकसाने का आरोप कोसी के बाहुबली सांसद पर लगा था और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। जी हां, आजाद भारत में यह पहली बार हुआ जब किसी नेता को, और वो नेता आनंद मोहन है जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। दरअसल बिहार की राजनीति, खासकर 90 की राजनीति को जब भी याद किया जाएगा तब आनंद मोहन सिंह, रामा सिंह, सूरजभान सिंह, आनंद सिंह जैसे बाहुबली नेताओं का नाम सामने आएगा। इनमें आनंद मोहन सिंह का नाम पप्पू यादव के साथ कोसी की मिट्टी को खून से लाल करने के लिए जाना जाता है। लालू यादव के साथ बिहार को जातीय उन्माद में धकेलने के लिए किया जाएगा। कथित बैकवर्ड और कथित फॉरवर्ड को आमने सामने करने के लिए जाना जाएगा। आनंद मोहन जो कभी लालू विरोध का चेहरा थे, वे कैसे लालू यादव के सिपसलार बन गए और कैसे आज उनके बेटे चेतन आनंद आरजेडी से राजनीति कर रहे हैं, विधायक हैं, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। अभी चर्चा आजाद भारत के उस हत्याकांड की जिसमें किसी नेता को पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई थी। दरअसल 4 दिसंबर 1994 को रात कौशलेंद्र कुमार शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उनके समर्थक आक्रोशित हो गए। छोटन शुक्ला की हत्या के बाद उत्तर बिहार में भारी रोष था। तब हजारों लोग उनकी शव के साथ हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की लाल बत्ती लगी गाड़ी नेशनल हाईवे से गुजर रही थी। लाल बत्ती लगी कार को देखकर भीड़ भड़क गई, जिसके बाद कार पर भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। कार के ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी ने डीएम को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भीड़ कहां मानने वाली थी। आक्रोशित लोगों ने उन्हें कार से खींचकर बाहर निकाला। तब सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बताया कि वह मुजफ्फरपुर नहीं गोपालगंज के डीएम है, लेकिन भीड़ के सिर पर खून सवार था। उन्हें उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आनंद मोहन सिंह और उनकी पत्नी लवली आनंद पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा, जबकि छोटन शुक्ला के छोटे भाई पर आरोप था कि उन्होंने डीएम के कनपट्टी पर गोली मारी थी। इस हत्याकांड में आनंद मोहन को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में निचली अदालत के इस फैसले को पटना हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया। इसी हत्या मामले में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, छोटन शुक्ला के भाई मुन्ना शुक्ला और दो अन्य को भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन 2008 में साक्ष्यों के अभाव में इन्हें बरी कर दिया गया। तेलंगाना के महबूब नगर के रहने वाले आईएएस जी कृष्णैया 1985 बैच के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। जब उनकी निर्मम हत्या हुई थी तब वह गोपालगंज के डीएम थे। उनकी छवि एक ईमानदार और सादगी पसंद अधिकारी की थी, लेकिन यह तो अब बीते कल की बात हो चुकी है। आज आनंद मोहन अपनी बेटी की शादी के लिए जेल से बाहर आए हुए हैं।